पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है, उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस महत्वपूर्ण योजनाओं को आपने जो उसकी ताकत को समझा है, इन योजनाओं का विदर्भ के जीवन पर, हिंदुस्तान के सामान्य व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होना है, ये आपकी विधानसभा के कारण मैं इसे महसूस कर रहा हूं।